गुड मॉर्निंग नहीं वैसे तो अभी टाइम घड़ी बंद है। वेलकम बैक टू चैनल ए के व्लॉग, स्वागत आपका फिर से। 1 जनवरी 2024 भाई लोगों, हैप्पी न्यू ईयर सभी को। इस साल नया नया आपको अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिले, साल भी नया अच्छा से रहे। तो हम आपको बताते हैं जी, अब कहाँ जा रहे हैं, मोहाली स्टेशन चंडीगढ़ जा रहे हैं क्योंकि कल आज छुट्टी थी। फटाफट से रेडी वगैरह। हेलो, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। करो सब्सक्राइब, करो कमेंट, करो बाय बाय बाय। हाईवे पे आ चुके हैं तो कभी आपको भी ऐसे लगता है कुछ छूट रहा है, जब हम निकलते हैं घर से तो जैसा लगता है कभी पूरा कंफर्टेबल नहीं हुए चार्ज की, तो वो ठंड की वजह से थोड़ा जल्दी ड्रेन हो रही है, चेंज की है। अभी घर से निकला था तो चार्ज ही की थी। तो ये पठानकोट वाला, अमृतसर पठानकोट वाला हाईवे है, बढ़ते फिर आगे। तो आई थिंक टाइम अच्छी कर रहा हूँ मैं, तो कल आ चुकी थी 1 जनवरी, तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर फिर वंस अगेन। एक साल हम कुछ धमाल करें, तो फिर भी हम कुछ धमाल करने की कोशिश करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता फिर कुछ ठंडा पड़ जाता है आई होप। ये तो एक मेरा मिल रहा अभी तक, वो जो मैंने लगवाया था वो ख़राब ही है, तो वो भी सर्विस सेंटर में ही है। उनसे पूछा था, 2-3 बार गया हूँ कल, तो वो कह रहे अभी टाइम लगेगा, छुट्टी है। तो मैं रुका हुआ था, कभी प्लान नहीं कर पा रहा था कि राइड पे भी। लास्ट टाइम भी मैं कहीं आसपास गया था तो व्लॉग नहीं कर, मैंने सोचा हुआ था कि व्लॉग करेंगे, थोड़ा सा बातचीत करेंगे नए साल पे, थोड़ा सा मोटिवेशन बंदे को होता है, मोटिवेशन बंदे को करनी है। तो साउंड थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, आपको लग रहा होगा ज़्यादा। अभी तो मौसम क्लियर नहीं है, ऐसे ठंड ठंड ज़्यादा है अमृतसर में, हमारे मोहाली में थोड़ी ठंड मैं जब से आया हूँ तो दिखे ही नहीं। तो हाईवे पे ही हूँ अभी थोड़ा, क्योंकि धुंध वगैरह हो जाती थोड़े बाद में, तो वही होता है कि आराम से पहले पहुँच जाएँ। तो फिलहाल ये हाईवे से निकला हूँ, अभी निकला ही हूँ रास्ते में, बस अभी 30 किलोमीटर। लोग इतना है साइड दोनों तरफ, जब गाड़ी वाला इस तरफ था पूरी उस तरफ, तो अब इधर शिफ्ट हुआ है। इतनी बंदा हाईवे में तेज है, तो एकदम से कोई आ जाए तो कैसे वो हैंडल करेगा, एकदम से वो ओवरटेक करा। ये देखो लोग पीछे आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो कैसे ओवरटेक कर रहे हैं एक दूसरे को, ये एकदम से स्पीड, ये देखो कैसे एकदम से। आपको अगले वाला बंदा कैसे परेशानी में पड़ जाएगा अगर सामने से एकदम से वो ओवरटेक करेगा तो। इतनी ठंड है, बंदा आराम से तू अपने स्पीड पे लेके चलो कि अगले वाले परेशानी ना हो। आप अपनी लाइफ भी रिस्क लेते हैं, दूसरे लोगों की। भाई लोग अगर आप ऐसे राइड कर रहे हो तो प्लीज़ सेव करो राइड, तो एकदम से वेट नहीं करते कि वहाँ पर रुक जाए। हम इतनी स्पीड में आते हैं लोग, मुझे मुश्किल समय नहीं आ रहा है। चलो आगे चलते हैं, फिर आगे मिलते हैं कहीं पर चाय वगैरह पियेंगे, अभी तो घर से निकला पहुँच चुके हम। ये भी चौंक आएगा हाल भाई, क्या बताएं अब, इतनी ठंड है हाथ पूरे सोनो, लाइनर लेना पड़ेगा मेरे को ठंड की वजह से, थोड़ा सा ठंड ज़्यादा है। जो अंदर गौर कर रहा हूँ ये भी चौंक आएगा, क्योंकि जो मैं चंडीगढ़ वाला हाईवे है ना, उससे पहले जो रेस्टोरेंट आता ना वहाँ बैठ के चाय पीऊँगा, थोड़ा सा ठंडी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि वैसे धूप भी निकली थी आज, तो 2-3 दिन हो गए थे धूप को मैंने देखी नहीं अमृतसर में। तो जब 20 मिनट लगेंगे मेरे को हाईवे पर जाते हुए वो चंडीगढ़ वाले वाले, और ये जो अमृतसर वाली खट है ना वो चंडीगढ़ वाली एक कब चली होगी, 2:30 बजे चलती है निकलेगी कहीं मिल का। तो वैसे भी स्टेशन गाँव जाना था, वो जा नहीं पाया मैं, तो रियलिटी वहाँ रखे थे उसकी वजह से। तो ये था कि अभी कुछ वापसी करने हैं बाइक से, क्योंकि अगले नेक्स्ट वीक मैं नहीं जाऊँगा घर वापस, तो जस्ट प्लान करते हैं कुछ राइड वहाँ पे, कुछ छोटी मोटी। काफ़ी आने का लोगों ने अब बना रखा है, इसमें काफ़ी भीड़ होती है फूड विलेज, अभी ट्रैफिक है आगे भी लगता है मेरे को, कुछ ठंडी थोड़ी सी कम लग रही है हाथों में, वैसे तो है हाथों में कम लग रही है। अपनी टीम राइड करने का भी असल में मज़ा है, बंदे और एक दो राइड करने में ऐसे तो फिर तो मज़ा आता है। बाकी आउटडोर हमारी ऑडियंस तो हो ही हो, आपसे बातें तो कर ही रहे हैं, टाइम पास हो जाता है अगर आप सोलो हो तो हम आपसे बात। तो 4:30 हो चुके हैं, तो
अभी चाय पीने भी रुका हूँ। हाथ ये पूरे सुन्न हो रखे हैं भाई साहब, इतनी ठंड है ना कि बुरे हाल है, पर फिर भी करेंगे राइड। तो अभी 4:30 हुए तो 2.5-3 घंटे एवरेज 3 घंटे लेके चलो कि हम पहुँचेंगे 7:30। तो बाकी अभी थोड़ा सा फॉग डेंस होनी शुरू हो गई है, थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है थोड़ी सी विजिबिलिटी, अभी कम होती जाएगी क्योंकि सूर्य देवता छिपने वाले होंगे तो उसकी वजह से थोड़ा मुश्किल होगी। मैंने तो चाय 2 ग्लास मंगवाई है, मैंने कहा भाई भर के पियेंगे, इससे मज़ा नहीं आएगा थोड़े ग्लासों में। तो फिनिश करते हैं चाय, बैठ के चाय पियेंगे तो मज़े जाएंगे। तो राइड करना है, इतनी जल्दी नहीं है कि पहुँचना ही है जल्दी जाके, तो आराम से मज़े जाएंगे। ठीक है, सिंगल आराम से आगे, तो आगे मिलते हैं टाई पे अगले स्टॉपेज पे। ये नॉर्मल लग रहा है, हम भी अपने मजे से जा रहे हैं राइड पे। मतलब हाथों में थोड़ा सा सुकून मिल रहा है, मुझे पहले तो सुन हो गए थे मेरे। गाइस 5:30 हो चुके थे, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है तो अभी ठंडा हो रखा है पूरा। गाइस से वैसे गर्मी तो हो गई है, थोड़ा सा मौसम फिर ठंडी बढ़नी शुरू हो गई है, गर्म हो गए थे आज पहले। गाड़ी पेट्रोल पड़ गया हमारे, ये पड़ गया 11 लीटर मेरा, करना शुरू हो चुका है। पूर गया दौलतपुर, हाँ सर क्रॉस किया भी तो दौलतपुर, एक हिमाचल में भी यहाँ जाओ चिंतकुन की तरफ जाओगे वहाँ भी आपको मिलेगा, इसका आइडिया नहीं है मेरे को, फिर भी 5:30 क्रॉस करके होंगे 6 बजे। बलाचौर अभी 20-19 किलोमीटर है, ये देखो मौसम कितना ठंडा और फॉगी हो रखा है, राइड करने का तो मज़ा ही बता रहा है। और भाई अभी फ़िलहाल बलाचौर क्रॉस करके टोल प्लाजा पे हूँ, तो चाहे पीने के लिए रुका हूँ दोबारा से, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। चाय वगैरह पी के लंगर में और चलते हैं आगे, 1 घंटा लगेगा हमें यहाँ से भी टाइम, आई थिंक चेक कर लो 6:10 तो 7 के करीब पहुँच जाएंगे हम। टोल है वहीं पे अभी, तो आपको यहाँ पे हमेशा लंगर जरूर मिलेगा, हर हर महादेव महाराज हमें हीटर देता है, तो ये से हम जब ठंडे हो जाए तो यहीं से सेक लेते हैं। तो गाइस ये आ चुके हैं जी मनाली और चंडीगढ़ वाला हाईवे, तो जाओगे तो ये मनाली की तरफ जाएगा रास्ता, तो राइट पे हम मुड़ेंगे, लेफ्ट की तरफ ही जाते थे पहले जब ये हाईवे नहीं बना था, तो मनाली और इस तरफ है चंडीगढ़ राइट, हमें 25 मिनट पहुँचने में, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक होता है यहाँ पर, जब ये पुल वगैरह जब बन गया पूरा रोड तो यहाँ पे भी इतनी ट्रैफिक नहीं मिलेगी, मेरा भी 1-2 साल हो गया और जाम लग जाता है यहाँ पे। फिर मैं साइड पे आ गया हूँ तो इतना जाम वगैरह बाइक वगैरह नहीं फंसती, थोड़ी सी कम लग रही है वैसे है पर ठीक है अभी हाथ वगैरह कम। तो गाइस हम ये खरड़ क्रॉस कर रहे हैं बाईपास से, यहाँ से हम अपने पीजी की तरफ जाएंगे मोहाली 6 फेज, तो बस अड्डा है वहाँ से, यहाँ से हमने अपने पीजी की तरफ। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। ठीक है, टिल देन गुड नाइट।